ग्रीटिंग्स एवरी वन स्टूडेंट्स कॉमर्स विद डिफरेंस क्लासेस के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्वेल्थ मैक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक और वो टॉपिक है डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट जब भी आप थियोरी करते हैं स्टूडेंट्स मैक्रो इकोनॉमिक्स में या न्यूमेरिकल करेंगे इसमें कंफ्यूजन रहती है इसको समझने में कि इसको किस तरह से किया जाए यानी डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस और डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट क्या दोनों एक ही चीज़ हैं या दोनों में कुछ डिफरेंस है और अगर दोनों में कोई डिफरेंस है तो उस डिफरेंस की वजह क्या है उसका रीज़न क्या है चलिए उसको हम डीपली स्टडी करते हैं आज देखिए स्टूडेंट्स हम सबसे पहले एज्यूम कर रहे हैं कि टू सेक्टर इकॉनमी है टू सेक्टर इकॉनमी क्या होती है टू सेक्टर इकॉनमी होती है जिसमें सिर्फ प्रोड्यूसर सेक्टर हो और हाउस होल्ड सेक्टर हो ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स। इन टू सेक्टर इकॉनमी प्रोड्यूसर सेक्टर है यानी फॉर्म है बिजनेसेस हैं, और हाउस होल्ड सेक्टर है हाउस होल्ड सेक्टर वो होता है जो गुड्स का कंजम्पशन करता है एट द सेम टाइम वो जो फैक्टर्स हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लैंड कैपिटल लेबर इनका ऑनर भी होता है इनको ऑन करता है तो यहां पर सिर्फ टू सेक्टर इकोनॉमी है यानी हम मान के चल रहे हैं लेकिन इसका मतलब हुआ गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं है टू सेक्टर इकोनॉमी कौन सी जिसमें गवर्नमेंट की एग्जिस्टेंस नहीं है गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं है और गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं, नहीं है इसका मतलब क्या है जब टू सेक्टर इकोनॉमी होती है गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता है इसका मतलब ना तो कोई टैक्सेस होते हैं प्रोडक्ट पे और ना ही कोई सब्सिडीज मिलती है लोगों को पब्लिक को या किसी स्पेसिफिक कैटेगरी को लाइक फार्मर्स एंड ऑल इसका मतलब इन द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर देर आर नो टैक्सेस देर इज देर आर नो सब्सिडीज इस केस में क्या होगा डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस ज ऑलवेज इक्वल टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट यानी डिस्कशन का फर्स्ट फेज समझिए स्टूडेंट्स जहां गवर्नमेंट सेक्टर नहीं है सिर्फ दो सेक्टर हैं प्रोड्यूसर सेक्टर एंड हाउस होल्ड सेक्टर उस केस में डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस हमेशा इक्वल होगा डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट के इसके पीछे की वजह भी समझिए आप जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस है वो इसके इक्वल क्यों होगा क्योंकि जितने प्रोडक्ट की प्राइस होगी यानी जो फाइनल गुड्स होते हम कॉम्पनसेशन टू इंप्लॉइज जिसे वेजेस बोलते हैं लैंड पे रेंट कैपिटल पे इंटरेस्ट और एंटरप्रीन्योरशिप को क्या मिलता है प्रॉफिट कहने का मतलब जितनी प्रोडक्ट की प्राइस है मार्केट में उतना ही फैक्टर्स की कॉस्ट पड़ती है यानी उतना अमाउंट हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ये इसके पीछे का बेसिक है समझिए स्टूडेंट अब हमें क्या देखना है आगे डिस्कस करना है कि जब गवर्नमेंट सेक्टर अगर इंट्रोड्यूस हो जाए जो नॉर्मली होता है क्योंकि आजकल कोई भी इकोनॉमी शायद ऐसी नहीं है जिसमें गवर्नमेंट सेक्टर की जो इंटरफेरेंस है उसका जो पार्टिसिपेशन है वो ना हो तो चलिए समझते हैं यहां से स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स व्हेन द गवर्नमेंट सेक्टर इज इंट्रोड्यूस्ड यानी अभी तक हम स्टडी कर रहे थे इस लेक्चर में कि टू सेक्टर इकॉनमी है प्रोड्यूसर सेक्टर एंड हाउस होल्ड सेक्टर अब इसमें एक सेक्टर और एड कर दो और वो हो गया आपका गवर्नमेंट सेक्टर यानी अब थ्री सेक्टर इकोनॉमी हो गई प्रोड्यूसर हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर के इंट्रोड्यूस होते ही क्या होगा स्टूडेंट समझिए नंबर वन टैक्सेस एंड सब्सिडीज स्टार्ट प्लेइंग रोल जब गवर्नमेंट सेक्टर इंट्रोड्यूस हो जाएगा तो गवर्नमेंट टैक्सेस इंट्रोड्यूस करेगी प्रोडक्ट्स पे जैसे इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं टैक्स लगा देगी तो टैक्स लगाने से क्या होगा प्रोडक्ट की मार्केट प्राइस इंक्रीज हो जाएगी और सब्सिडीज भी ऑफर करेगी सोसाइटी के कुछ लोग होते हैं कुछ सेक्शंस होते हैं जिनको प्रोडक्ट्स जो है वो सब्सिडी पे यानी कम रेट पे ऑफर किए जाते हैं जैसे सौ रुपए का प्रोडक्ट है उनको प्रोडक्ट थर्टी या फोर्टी रुपीज में दिया जाएगा और जो लॉस है सिक्सटी सेवेंटी रुपीज का उसे सब्सिडी बोलते हैं और वो लॉस कौन बेयर करता है गवर्नमेंट बेयर करती है अब समझिए इस चीज को कि जब गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस हो जाएगा तो टैक्सेस एंड सब्सिडीज स्टार्ट प्लेइंग देयर रोल और इससे होगा क्या स्टूडेंट्स देखिए डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट बिकम डिफरेंट एग्रीगेट प्लीज अंडरस्टैंड दिस यानी जैसे ही गवर्नमेंट सेक्टर अपना रोल प्ले करेगी गवर्नमेंट सेक्टर इंट्रोड्यूस हो जाएगा अलोंग विद प्रोड्यूसर सेक्टर एंड हाउस होल्ड सेक्टर इस केस में जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड एट फैक्टर कॉस्ट दोनों डिफरेंट एग्रीगेट्स हो जाएंगे यानी दोनों की equal, दोनों की जो वैल्यू है वो इक्वल नहीं होगी क्यों इक्वल नहीं होगी इसका रीजन समझिए स्टूडेंट्स रीजन क्या है क्यों इक्वल नहीं होगी नंबर वन टैक्सेस ऑन गुड्स जिसे हम इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं टेंड टू रेज द मार्केट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट यानी जो गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी प्रोडक्ट पे उस टैक्स की वजह से जैसे एक्साइज ड्यूटी होती है एंड अदर टैक्सी होते हैं जैसे इंडिया में आजकल यू नो दैट इज वैट चलता रहा है अब जीएसटी है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स तो इनकी वजह से क्या है प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज हो जाती है यानी टैक्स ऑन गुड्स जिसे इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं टेंड टू इंक्रीज द मार्केट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट प्रोडक्ट की मार्केट प्राइस बढ़ जाएगी एंड उस रिजल्टेंट उसका रिजल्ट क्या होगा डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज इनक्रीज यानी उसका रिजल्ट ये होगा जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस है ये ज्यादा होगा और डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट वो कम होगा यानी दोनों अनइक्वल हो जाएंगे नंबर दो पे क्या आता है देखिए सब्सिडीज अब गवर्नमेंट कुछ सेक्शंस ऑफ द इकोनमी अर्थव्यवस्था के कुछ लोगों को सब्सिडी पे चीजें प्रोवाइड करती है जैसे फार्मर्स को कुछ एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं जो लोअर इनकम ग्रुप है उसको व्हीट ग्रेन्स एक्सेट्रा इनको सब्सिडी पे प्रोवाइड किया जाता है गैस सब्सिडी पे प्रोवाइड की जाती है या कई बार वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी पे प्रोवाइड की जाती है तो जब गवर्नमेंट सब्सिडी देगी गुड्स पे तो दैट टेंड टू लोअर द मार्केट प्राइस ऑफ द गुड्स अब देखिए जिन गुड्स पे सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट उन गुड्स की मार्केट प्राइस कम हो जाएगी बिकॉज लोगों को कम पे करना पड़ेगा उसके लिए एंड अकॉर्डिंगली अब उसका रिजल्ट क्या होगा डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड एट मार्केट प्राइस इज रिड्यूस्ड जो ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस है ये कम हो जाएगा और डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इस केस में ज्यादा होगा दोबारा समझ लें स्टूडेंट्स टैक्स लगाने से डोमेस्टिक प्रोडक्ट की मार्केट प्राइस इंक्रीज होती है और सब्सिडी देने से डिक्रीज होती है और इसका जो नेट इफेक्ट होता है नेट इफेक्ट ये रहेगा कि जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस है ये कभी भी डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट के इक्वल नहीं हो पाएगा अब करें क्या ताकि ये इक्वल हो जाए ऐसी कौन सी एडजस्टमेंट्स हमें करनी पड़ेंगी ये हम इस पार्ट में समझते हैं आप इस तरफ देखिए स्टूडेंट सब देखिए क्या लिखा हुआ है टूरिस्ट और द पैरिटी बिटवीन टूरिस्ट और द पैरिटी का मतलब ये करने के लिए कि दोनों इक्वल हो जाएं डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड फैक्टर कॉस्ट एट फैक्टर कॉस्ट दोनों इक्वल हो जाएं ऐसा करने के लिए क्या करना होगा देखिए डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट ये इक्वल हो जाए इसके लिए क्या करना होगा पॉइंट नंबर वन देखिए वी डिडक्ट द वैल्यू ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी गवर्नमेंट ने सरकार ने जो इनडायरेक्ट टैक्स लगाए हैं उनको डिडक्ट कर दीजिए उनको माइनस कर दीजिए कहां से माइनस कर दीजिए डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस से समझना स्टूडेंट्स कहां की चीजें कहां ऐड हो रही हैं हमें यह करना है देखिए हमें डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस और डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को इक्वल करना है बराबर करना है और इक्वल करने के लिए क्या होगा ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस जो है ना इसमें से टैक्स कम कर दो यानी गवर्नमेंट ने जो टैक्स लगाए थे ना इनडायरेक्ट टैक्स वो माइनस कर दीजिए और गवर्नमेंट ने जो सब्सिडी दी थी वो ऐड कर दीजिए देखिए वी एड द वैल्यू ऑफ सब्सिडीज टू द डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस अब समझने का बहुत सिंपल मतलब क्या है ये देखिए स्टूडेंट्स कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस किस वजह से अलग हुआ था फैक्टर कॉस्ट वाले से टैक्स लगाने से और सब्सिडी देने से तो उसको उल्टा कर दो टैक्स लगाने से जितने टैक्स लगाए हैं उसे माइनस कर दीजिए और जो सब्सिडी दी है उसे प्लस कर दीजिए यानी देअर फोर लिखेंगे कैसे इसको समझिए स्टूडेंट्स देअर फोर डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू कब ये इक्वल होगा देखिए अभी अनइक्वल था इक्वल कब होगा डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स अभी तक हम इनडायरेक्ट टैक्सेस वर्ड यूज कर रहे थे स्टूडेंट्स अब ये टर्म आ गई नेट इनडायरेक्ट टैक्स अब पहले इसको देख लो ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है प्लीज सी दिस नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब गवर्नमेंट ने जो टैक्सेस लगाए हैं उनको इनडायरेक्ट टैक्सेस बोलते हैं उसमें से सब्सिडी का अमाउंट कम कर दो आप जानते हैं स्टूडेंट्स सब्सिडी तो कुछ एक प्रोडक्ट्स पे दी जाती है लेकिन टैक्स नॉर्मली सभी प्रोडक्ट्स पे लगता है सिर्फ कुछ एसेंशियल प्रोडक्ट्स को छोड़कर इसका मतलब जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है इसका अमाउंट ज्यादा होता है और सब्सिडी का अमाउंट कंपैरेटिवली कम होता है तो हम क्या करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैलकुलेट करेंगे और इसके लिए जो टोटल इनडायरेक्ट टैक्सेस लगे हैं एक इकोनॉमी में उसमें से सब्सिडीज दो दी गई है उसे लेस कर दो और यह आएगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेज तो हमने क्या किया देखिए समझिए यहां पर डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को इक्वलाइज करने के लिए डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में से हमने समझिए नेशनल प्रोडक्ट यहां तक देखिए यहां डोमेस्टिक प्रोडक्ट था यहां क्या आ गया अब नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इसके लिए नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस और उसमें से माइनस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स अगर किसी की ये समझ में ना आ रहा हो ना नेट इनडायरेक्ट टैक्स वाला पॉइंट तो क्या करें बेटा प्लस नेट इनडायरेक्ट वो माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज कर सकते हो आप उसके जैसे हमने यहां डिस्कस किया था कि इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दो और सब्सिडी को प्लस कर दो इन दोनों पॉइंट्स को हमने इकट्ठा कर दिया फर्स्ट में से अगर सेकंड माइनस कर दें तो क्या बन जाता है वो नेट इनडायरेक्ट टैक्स बन जाता है अब समझ गए होंगे आप इस चीज को अब इस लेक्चर को समरी देख लीजिए दोबारा क्या किया हमने अभी तक हमने डिस्कस किया कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एट मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट इक्वल होगा अगर टू सेक्टर इकोनॉमी होगी जब गवर्नमेंट नहीं होगी जब गवर्नमेंट आ जाएगी तो थ्री सेक्टर इकोनॉमी हो गई उसमें टैक्स की वजह से प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज हो जाएगी और सब्सिडी की वजह से डिक्रीज हो जाएगी इस इफेक्ट को खत्म करने के लिए और ये एंश्योर करने के लिए कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस और डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड फैट फैक्टर कॉस्ट दोनों इक्वल हो हमें दो एडजस्टमेंट करनी होगी स्टूडेंट्स वो दो एडजस्टमेंट क्या है इनडायरेक्ट टैक्स को लेस कर दो और सब्सिडीज को एड कर दो किसमें डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में और उसको हमने ब्रीफ में जो फॉर्मूला निकाला वो फॉर्मूला ये है डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज ये जो टर्म्स होती हैं स्टूडेंट्स डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती हैं इसीलिए लेक्चर को बड़े ध्यान से देखें टर्म्स को बड़े ध्यान से सुने फिर आप राइटिंग प्रैक्टिस करें हाथ से लिखकर भी देखें इनडायरेक्ट टैक्सेस का कॉन्सेप्ट समझें सब्सिडीज का कॉन्सेप्ट समझें तब ये आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा उम्मीद है इस छोटे से लेक्चर से हमने डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट और गवर्नमेंट का रोल क्या होता है इसको बड़े अच्छे से डिस्कस किया है और आपकी समझ में भी आया होगा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि उनको भी इन लेक्चर से बेनिफिट मिले और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए